Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Oh my God, Kapoor, running करके मजा आ गया ना? वैसे तुम कितने टाइम तक भाग लेते हो? देखो अगर तुम्हारे पीछे भागना हो, तो मैं मिलिन सोमन से भी ज़्यादा भाग सकता हूँ। पर मिलिन सोमन तो मेरे पीछे नहीं भागता। वो जिसके पीछे भागता था ना, उससे उसकी शादी हो गई। अब मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो कुछ बातों को ना समझना नहीं होता है, सीधा पटना होता है। आया मुझे समझ में, बिहार वाला पटना ना? बिहार वाला पटना तुमको पता है? जो मेन पटना होता है लड़के लड़की वाला, ये वाला पटना तुमको पता नहीं है? अब ये लड़के लड़की वाला पटना क्या होता है? अच्छा कपड़े तुमने प्रियंका चोपड़ा वाले पहने हैं, निक जोनस का तुम्हें पता ही नहीं? वाह, ऑफ कोर्स मुझे निक जोनस का पता है। दूर दूर का तुम्हें सारा पता है, पास पास का तुम्हें कुछ नहीं पता? पता है मुझे, पास का भी पता है। वो मेरा घर पास में आ गया ना, मैं चलती हूँ। अर्चना जी, आपको मेरी फिटनेस का राज तो पता चली गया होगा? पता चल गया। लड़के के पीछे भागता हूँ। आपको क्या बता रहा हूँ, आपके पीछे भी तो कई भाग भाग के पतले हुए होंगे। काश आप भी थोड़ा भाग लेती। शर्मा जी, शर्मा जी, सरप्राइज। हाँ, फिर आगे? सरप्राइज क्या? अब सरप्राइज नहीं हुए? मैंने आपकी नाम की मेहंदी लगाई है। वाह, पहले तो मेरे नाम से राशन लाते थे तुम लोग, अब मेरे नाम से मेहंदी लगानी शुरू कर दी तुम लोगों ने। क्या बोल रहे आप शर्मा जी? आज करवा चौथ है, मैंने व्रत रखा है आपके लिए। मेरे लिए क्यों रखा बहन जी? अपने पति के लिए रखो जाके। बहन जी नहीं, बीवी जी। मैं भूल चुका हूँ, बीवी और महंगाई जितना याद रखो उतना तकलीफ देती है अर्चना जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप शर्मा जी? सुबह से मैं भूखी प्यासी हूँ। आधा घंटा पहले तो सुबह हुई, क्या उठते ही डिनर करेगी तू? सुबह से भूखी प्यासी हूँ। अच्छा सुनिए ना, करवा चौथ बताइए ना, क्या गिफ्ट देंगे आप? किस बात का गिफ्ट? मैंने अगर व्रत तोड़ दिया ना तो सोच लेना क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान तुम्हारे व्रत पर टिकी हुई है? नहीं, तुम्हारी जान उस पड़ोस की तोती पे अटकी हुई है। खबरदार, उसकी तरफ गंदी नजर डाले तो मैं नहीं देख सकता। किसी दिन उस तोती की गर्दन मोड़ दूंगी मैं। हाँ, वैसे गर्दन से याद आया, करवा चौथ के बदले मुझे एक हार चाहिए, नेकलेस। गर्दन से तुम्हें नेकलेस याद आया? मुझे तो छुरी याद आ रही थी। गर्दन नेकलेस मांग रही है? नेकलेस ही क्यों मांग रही? 50 लाख रुपया भी मांग, तूने व्रत रखा है मेरी जान बचाने के लिए, फिरौती मांग रही है मेरे से मेरी जान बचाने। सोचो, अरे वो फोन में चेक कीजिए ना, आज रात को चांद कितने बजे निकलेगा। चांद? चांद अभी मेरे साथ ही था, जॉगिंग कर रहा था, डर गया। थोड़ी देर में निकलेगा चांद। उधर नहीं, इधर देखो, मेरे व्रत से आपकी उम्र लंबी होगी। मेरी उम्र छोड़ो, अपनी हाइट लंबी करने के लिए कोई व्रत रखो। साथ में चलती ऐसा लगता है ट्रॉली बैग लेके जा रहा हूँ मैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, भाई साहब आपका लैपटॉप वाला बैग रह गया। लोग तो हैरान हो जाते हैं कि लैपटॉप वाला बैग साड़ी पहन के क्यों घूम रहा है। लंबी बीवी चाहिए थी तो सीढ़ी से कर लेते शादी। तो सीढ़ी से कर लूंगा शादी जब मेरे को मौका मिलेगा, जब मेरी उम्र होगी ना शादी की। हाँ, और ये व्रत वगैरह रख के ना साबित करने की कोशिश मत कर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम ही नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता एक व्रत की ताकत के बारे में? खाम खाम मुझे शादीशुदा की डिग्री देने में लगे हुए हैं, जबकि मेरी पीएचडी और रिसर्च कहीं और चल रही है। कपूर, क्या यहाँ पे मेरी बात हो रही है? हाँ, अर्चना जी कह रही थी आज करवा चौथ है, तुमने मेरे लिए व्रत नहीं रखा। लेकिन मैं अर्चना जी के लिए व्रत क्यों रखूं? उनके मेरे लिए नहीं, इसके मेरे लिए। अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो मेरी उम्र लंबी कैसे होगी? लेकिन तुम्हारे लिए व्रत तो तुम्हारी बीवी रखेगी ना, मैं क्यों रखूंगी? तुम्हें भी लगता है वो मेरी बीवी है? मुझे तो लगता था खूबसूरत और हॉट लड़कियां कभी किसी अफवाह में नहीं पड़ती। तुम पड़ जाती, तुम मान लेती हो अफवाहों को? नहीं नहीं नहीं, मैं भी कोई अफवाह में नहीं मानती, मैं खूबसूरत और हॉट हूं ना। तुम भी कुंवारी, मैं भी कुंवारा, तुम चाहो तो किसी भी कुंवारे के लिए व्रत रख सकती हो। किसी भी कुंवारे के लिए? हाँ, नहीं, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हो। उस्ताद जी के लिए? उसके लिए शराद रखो तुम, उसकी दो बार मरने की उम्र निकल चुकी है जिसके लिए तुम व्रत रखने की बात कर रही हो। किसी हैंडसम लड़के के लिए व्रत रखो। टॉम क्रूज के लिए रख लूं? आएगा शाम को टॉम क्रूज छन्नी में मुंह दिखाने अपना? नहीं ना, हैंडसम लड़का मतलब जैसे मैं, इससे ज्यादा डायरेक्ट मैं नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारे लिए
लेकिन मैं पूरा दिन भूखी प्यासी नहीं रह सकती. लंच के बाद रख लूं चलेगा? नहीं नहीं, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाती है, ऐसा कुछ करोगी तो. ब्रेकफास्ट? टांग वगैरह तो उसमें भी टूट सकती है ब्रेकफास्ट में भी. देखो मैंने सुना खूबसूरत लड़कियां किसी को कुछ नहीं होने देंगी, तुम मुझे कुछ होने दोगी? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी. मैं खूबसूरत और हॉट हूं ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी. तो फिर मैं तुम्हारा व्रत पक्का समझूं? पक्का पक्का, पिंकी प्रॉमिस. पिंकी का नहीं, अपना वाला करो, मेरे को पिंकी से क्या लेना देना. अरे पिंकी प्रॉमिस मतलब सच्चा वाला प्रॉमिस. अब मैं जाऊं करवा चौथ के लिए रेडी होने. प्लीज. वाओ अर्चना जी, आप देख रही हैं, दो दो लड़कियां मेरे लिए व्रत रख रही हैं, कहीं मैं अमर ही ना हो जाऊं. अमर होके क्या करना है, सारी दुनिया चली जाएगी, अकेला घूमता फिरता रहूंगा. नो नो नो. लेकिन इसका तो ठीक है, बिंदु का व्रत तोड़वाना पड़ेगा. अगर भगवान ने इसकी सुन ली और मैं सच में इसको पत्नी मान बैठा, उफ. अभी तुड़वाता हूँ बिंदु का व्रत. पानी पूरी. अबे नाम लेके बोल बोल, बिंदु पानी पूरी. बिंदु नहीं सर, रामलाल पानी पूरी. अबे राम के लाल. इधर आ. इस घर में एक औरत रहती है, उसका नाम है बिंदु. ये ले 100 रुपया, उसको बोल बिंदु पानी पूरी. बिंदु पर सर इस काम के लिए 100 रुपया कम नहीं लगता है. 1.5 करोड़ दूं तेरे को? कौन बनेगा करोड़पति मैं? 65 रुपए का तेरा मुंह, तेरे को 100 रुपए दे रहा हूँ. बोल बोल बिंदु पानी पूरी. बिंदु पानी पूरी. बिंदु तेरे साथ ठेला लगाती. बिंदु जी बोल. बिंदु जी बोल. बिंदु जी पानी पूरी. बिंदु जी पानी पूरी. अरे कौन चिल्ला रहा मेरा नाम? कौन चिल्ला रहा मेरा नाम? मैडम पानी पूरी. देखो आज ही आना था व्रत मेरा, जाओ यहाँ से वापस. खा ले चुपचाप, क्या व्रत के चक्रों में पड़ी है. बड़ी स्वाद चाट पपड़ी बनाया, तीखे गोलगप्पे. अगर गोलगप्पे तीखे हैं तो मेरे सुहाग के आगे सारे स्वाद फीके हैं. हाय हाय. वाह, उधर जा, गुलजार साहब की काम वाली के ऑडिशन हो रहे हैं, दे जाके. तू क्या खड़ा खड़ा दिख रही, जा यहाँ से. क्यों जाए वो, मेरा इसमें पार्टनरशिप है, नहीं जाएगा वो. अरे बाप रे बाप. गोलगप्पा गोलगप्पा. ये नहीं, इधर है गोलगप्पा. ए बिंदु, पता मोहल्ले में पानी पूरी वाला है, किसी ने बताया भी नहीं. अरे तुमने व्रत रखा ना पापा के लिए. अरे ये पानी पूरी है. अरे पानी पूरी देख के औरतें अपना आपा खो देती हैं, तुमको पापा की पड़ी है. ए जी फटाफट 3 प्लेट लगाओ. अरे मम्मी तुम्हारी 3 के चक्कर में पापा का 4th हो जाएगा. अरे 4th गया तेल लेने, उनके चक्कर में 9 हो चुका है. और हम उनको जानते हैं, जिसका 9 के बाद कुछ नहीं हुआ तो 3 प्लेट खा लेंगे तो क्या उखड़ जाएगा. ए मम्मी क्या कर रही हो तुम? मजाक कर रहे हैं, व्रत तोड़ने के बाद खाएंगे. मैं ना सरकार से डिमांड करूंगी कि करवा चौथ के वक्त ना इन लोगों को बैन कर दे. चलो अब अंदर. ए देखो पति तो सुनता नहीं, सरकार से गुहार लगाएंगे. चलो तुम चलो. पानी पूरी. पानी पूरी. ओह माय गॉड. कप्पू माय फेवरेट पानी पूरी वाला. इधर क्या कर रही हो? ऐसी चीजों के पास नहीं जाना, ऐसी चीजें व्रत तोड़वा सकती हैं. ओह गॉड, खूबसूरत होना भी एक गुनाह हो गया है. अब आप ही बताइए अर्चना जी, क्या जमाना आ गया है, एक खूबसूरत लड़की चैन से सांस भी नहीं ले सकती. पानी पूरी. साले सिर्फ पूरी पूरी है, पानी 12 बजे आएगा. हट. देखो तुमने पिंकी प्रॉमिस किया था और तुम्हें तो पता ही होगा खूबसूरत और हॉट लड़की व्रत वाले दिन पानी पूरी नहीं खाती. फिर तुम खाओगी बताओ? नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी. हाँ. मैं तो खूबसूरत और हॉट हूँ. या या पानी पूरी. क्या है बे पानी पूरी तेरी, तेरे को शर्म नहीं आती? करवा चौथ वाले दिन आके मोहल्ले की भोली भाली लड़कियों का व्रत तोड़वाता है पानी पूरी के लिए आके. कप्पू भोली भाली नहीं, खूबसूरत और हॉट. खूबसूरत और हॉट भी? हाँ तो व्रत तोड़वाएगा तुमका. चल भागे यहाँ से. तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चांद निकलने वाला है, तैयार होके क्यों नहीं आ रही? कमाल है सर, अभी आप व्रत तुड़वा रहे थे, अभी आप व्रत करवा रहे, क्या मैटर चल रहा है? हम मुंह भी तुड़वाते हैं. तुड़वाओगे? नहीं. कपड़ी जैसे मुंह वाले. चल भाग यहाँ से. पानी पूरी. आराम से बोल साले कबाड़ी है तू. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे हाथ में 2 लड्डू होंगे. बिल्कुल. हाँ जी शर्मा जी. क्या कर रहे हो आप शर्मा जी? हाँ कब से
लड्डू लेके क्यों खड़े हो आप हाथ में? लड्डू? गजल कहाँ है? गजल? मैं सपना देख रहा था। और तुझे तो मैं सपने में लाइक नहीं करता, तू रियल में आ जाती है मुंह उठा के। मैंने तुम्हें चांद देखने के लिए कहा था, तुम सपने देख रहे थे। हाँ अर्चना जी, एक ऐसा व्रत होना चाहिए जहाँ ये आदमी भूखे रहेंगे, तब इन्हें पता चलेगा। तो उसमें क्या है, जिस दिन तुम लेडीज का मूड खराब होता है, आदमी बेचारा भूखा ही सोता है। हाँ तो ठीक है, तो तुम मानते हो ना कि सारे मर्दों को रोटी हम औरतें ही खिलाती हैं? वो जमाना गया, अर्चना जी के किचन में जाके देखो तुम्हें पता चले। हाँ ये जो तुम टू 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 करके मोबाइल पे ऑर्डर करती हो ना, दो मिनट में जो खाना लेके आते सब मर्द लोग ही आते हैं। होटल में जाके देखो जितने सारे शेफ हैं, सब मर्द लोग खाना बना रहे हैं। हाँ माँ की दाल भी बाप ही बना रहा है। बढ़िया ही। अब जब बाप बना ही रहा है तो फिर मेरा ऑर्डर भी ले लो, 8 गुलाब जामुन। तुम्हारा बाप नहीं बना रहा है? बस 8 गुलाब जामुन वो तो हमारे पति अकेले ठूस लेंगे। हाँ तो फिर 24 गुलाब जामुन कर दो, पालक पनीर, आलू गोभी, मलाई कोफ्ता, मेरे लिए पिज्जा, पास्ता, बर्गर और कसाटा। ओ वाओ, कसाटा? कसाटा धूम एक चमाटा। उसको चमाटा देने से पहले तुम्हें मेरी गाल पे से होके गुजरना पड़ेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति को जुगाटो वाला बना के रखा है, जिसके लिए व्रत रखा ना उससे मंगवाओ। उसी से तो मंगवा रही हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ शर्मा जी? जो वो बोल रही है वही तुम सुन रही हो। मेरा सुनो, चांद निकल आया, इधर घूम करो, उधर देखो चांद निकला, व्रत तोड़ो, उसको आगे श्रीलंका भी जाना है फटाफट। अरे चांद तो श्रीलंका चला जाएगा, लेकिन मेरा मलिंगा कब आएगा? मुझे व्रत तोड़ना है। देखो चांद। शर्मा जी यहाँ आइए। कपूर इधर। हाँ इधर कपूर, इधर इधर। मैं किधर किधर देखूँ? मैं इधर देख। अरे बिंदु, बिंदु, बिंदु क्या हो गया तुम्हें? बिंदु मुंह खोलो, बिंदु, बिंदु पानी पियो। पानी पिलाई बेचारी, सुबह से व्रत है। बिंदु, बिंदु पानी पियो। बिंदु आपके हाथ से पानी नहीं पिएगी वो। क्यों, मेरा पानी गीला नहीं है? बिंदु आज करवा चौथ है, वो अपने पति के हाथ से पानी पिएगी। तो मैं इसकी बहन हूँ, मैं पति तो हूँ। हेलो बिंदु, बिंदु, बिंदु मैं तुम्हारा हस्बैंड कपू। कपू मुंह खोलो, मुंह खोलो, पानी पियो। हाँ शाबाश, एक व्रत में बेहोश होगी तुम। मैंने कहा था शर्मा जी, करवा चौथ पे याद दिला कर रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। देखिए आई लव यू शर्मा जी। एक मिनट बोल। जैसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं राइट, ऐसे ही होश में लाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। कप्पू, कप्पू। ओहो गजल, कुंडल खराब हो गए सारे। गजल शर्मा जी, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तो किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाना धर्म का काम होता है, और अगर प्यासी लड़की हो फिर तो बड़ा मजे का काम है। अब तुम पियो। शर्मा जी आपको क्या प्रॉब्लम है बहन जी? चलो गजल, चलो चलो, हम पे हमला हो गया। अर्चना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है, तो आप कहेंगी जाहिर सी बात है कि नहीं मुझे नहीं याद। और अगर मैं ये इनसे पूछूं कि अपने पति के मोबाइल का कोड याद है, झट से बोलेंगी हाँ। क्योंकि पति चाहे कितना भी शरीफ हो, नेचर भी कुछ चीज होती है। आज जो हमारे गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी फिल्म का नेम है, कोड नेम तिरंगा। तो एक एक करके अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले प्लीज वेलकम परी। वेलकम टू माई शो, वेलकम टू माई हार्ट बेबी। मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ, आज मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। कहाँ दीदी, कहाँ? तो क्या कह रहे थे बेबी? बेबी मैं कह रहा था दीदी आती नहीं आजकल। जिंदगी में स्कूल कभी मम्मी पापा को लेके नहीं गई, हमारे शो में मम्मी पापा को लेके आई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। एक तो ना ये परीका ना हमने कभी कोई अफेयर भी नहीं सुना, पता है? हाँ। अफवाह ही हो चाहे, अफवाह भी नहीं सुनी, या तो है ही नहीं कोई बॉयफ्रेंड या सामने नहीं आने देती। मतलब अब सवाल ही मेरे ऐसे, मैं या क्या फिर इतने बुरे बुरे किए कि मैं किसी को बताए नहीं। ओ, 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 ओ,
पंजाबियों की फैमिली में क्या होता है, बड़ी बहन ब्याह हो, बड़ा भाई ब्याह हो, तो जिम्मेदारी वही ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं दीदी जीजा ने कोई जिम्मेदारी ढूंढ ली कि मैं हम लोग परी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे? मैंने तो सबको काम पे लगाया हुआ है, मतलब आज सबको लगा के जाऊंगी, जो मेरे लिए लड़का ढूंढेगा उसको शादी पे इनविटेशन भी दे सकती हूँ, बट लड़का ढूंढो गाइस मेरे लिए। इनको इनका काम है, रिश्ते करवाती हैं ये मैम। एक सोने की अंगूठी और एक सूट लेना इन्होंने बस। मैं आपको 5 अंगूठियां दूंगी, बस लड़का ढूंढ के लाओ। 5 तो छीन ही लेंगी वो, आप नहीं भी दोगी तो। मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई मतलब दीदी की तरह तुम्हें कोई इंटरनेशनल लड़का पसंद हो तो मुझे बोल देना, मेरे आजकल टूर बहुत लग रहे हैं। Oh my goodness! I'm flying to Busan tonight, you know? Yeah! Oh my international couple! So many international awards! परी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आओ बैठ के बातें करते हैं। परी के लिए जोरदार तालियां। परी ये कोड नेम तिरंगा जो फिल्म है, हाँ जी, जब आपने साइन की, हाँ, सबसे पहला कारण क्या था? अरे यार मैं बोर हो गई थी, सब लोग मुझे बोलते थे इतनी प्यारी है, कितना हंसती है, कितनी क्यूट है, तो जैसे ही मुझे डायरेक्टर ने बोला एक्शन करने को मिलेगा, मैंने तो कुछ भी सुना नहीं, मैंने कहा मैं एक्शन हीरोइन बनना चाहती हूँ, 10 साल हो गए हैं, अभी टाइम आ चुका था, मैंने साइन कर दी। क्या बात है, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का काम किया आपने। थैंक यू। सो दोस्तों अब वक्त है फिल्म के एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच रॉकस्टार हार्डी संधु। जोरदार तालियां हार्डी के लिए। क्या बात है संधू साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। हार्डी का सिर्फ नाम ही हार्डी नहीं, परफॉर्मेंस भी बड़ी हार्ड होती है। हार्डी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू भाई। हैंडसम लग रहे हो एज ऑलवेज। थैंक यू भाई। हार्डी एक बात बताओ, जैसे आप इतने हैंडसम है, बैचलर हैं, हार्डी आपका नाम है, कोई खूबसूरत लड़की आती है थोड़ा सॉफ्ट होते हो कि हार्डी रहते हो आप उसके सामने भी? क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट भी पड़े, बड़ी लड़कियां आपको कमेंट्स करती हैं, हार्डी ओ माय बेबी, ये सब फायर वायर बना के भेजती हैं। भाई मैं सॉफ्ट इंसान ही हूँ, मैं वैसे नाम ही हार्डी है, मैं तो पूरा सॉफ्ट इंसान हूँ, प्यार से बात करता हूँ। ये सब जेलेसी से हो रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जानने में, ये सब जेलेसी में हो रहा है। तो जिसमें है उसने कौन सा भाव दे दिया? ओह पिताजी। हार्डी का ना स्टाइलिंग सेंस बड़ी मजेदार है, और मैंने बड़े बार आपको देखा है, आप ना वो लूज लूज कपड़े जब पहनते हो, हाँ जी, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं आप पे। थैंक यू। तो ये आपकी अपनी चॉइस से लेते हैं आप, या फिर आप ये सोचते हैं कि एक बार पहन के बादशाह को भेज दूंगा? जो, नहीं मैं आजकल बड़ा बड़ा ट्रेंड चल रहा है वैसे, पर बहुत लोग ऐसे करते हैं। बादशाह भाई को तो वो तो खुद अपने कपड़े बहुत खरीद के, उनके पास तो बहुत है, पर ये ट्रेंड चल रहा है, मेरे को कहते हैं अपने कपड़े दे दो हम बेच देंगे आगे, आपको थोड़ा सा उसमें शेयर दे देंगे। अच्छा, पर मैं मेरे स्टाइल है भाई, वो बड़ा कमाल का स्टाइल है जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस फिल्म में जो आप परिणीति को एक्शन करता हुआ देख रहे हैं वो कोई इजी जॉब नहीं है, इन्होंने 3 महीने उसके लिए पहले ट्रेनिंग ली करेक्टर में जाने के लिए, और बड़ा कमाल का एक्शन किया आपने। और उसके पहले जो आपने रोमांटिक फिल्में की हैं परी, उसकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है? क्यों उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि मतलब ऐसे ही है? मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत रिहर्सल की उसकी, बट उसका कुछ बना नहीं, और जितने मेरे हीरो बनने वाले थे वो तो कहीं और शादी कर गए, अभी मैं क्या करूं, तो फिर एक्शन पिक्चर ही करनी पड़ी मुझे। चलो फिल्मों में ना सही, हमें रिहर्सल पे बुला लिया करो। परिणीति हमने देखा आपकी एंट्री जो है बोट पे हो रही है, कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें एक्सप्रेशन देने की, हम तो डर नहीं रहे, हमें तो उसको पकड़ना है, और गहरे पानी में खुद को डर लग रहा होता है कभी कभी। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एक्सप्रेशन देने पड़ रहे हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पूरी पिक्चर ही ये था, ये जो आप बोट का शॉट देख रहे हो, उस दिन हार्डी नहीं था, हम लोग ये शॉट ले रहे थे, और ये शॉट में कुछ -10 -11 का टेम्परेचर था, और पूरी जो यूनिट थी वो जैकेट और मफलर और ये सब पहन पुन के, मास्क वास्क पहन के, और मुझे एक काली टी शर्ट में, हाफ स्लीव टी शर्ट में पहना, तो किसी को ये नहीं पता कि नीचे मेरे पैरों में कितने कंबल रखे हुए हैं मेरे को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बोट में थे, हवा लग रही थी, एंड ये मेरा एंट्री शॉट था। तो रिभु सर ने मुझे बोला बस इसमें तुम्हें हीरो की तरह खड़े होना है, मैंने कहा हीरो की तरह या हीरोइन की तरह? उसके बाद जब हार्डी आया मैंने बोला हार्डी जैकेट दे, हीट पैचेस दे, हम लोग मतलब आई थिंक आधी से ज्यादा हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम दोनों को बहुत ठंड लगी है इस पिक्चर में, इसलिए हम इतने क्लोज हो गए बहुत ज्यादा।
कपिल। अभी ये अपना जैकेट वैकेट उतारने वाला यहीं पर। नहीं, इसलिए मैं अपना जैकेट पहन के आई हूँ आज। नहीं, ठंड तो मुझे भी लग रही है पर। अच्छा, ऐसे दोस्ती हो जाती ज्यादा ठंड में? उससे पूछ। आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को और फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर रजित कपूर, मिस्टर शरद केलकर और डायरेक्टर साहब ऋभु दासगुप्ता। सर जी प्रणाम। शरद भाई सर वेलकम। इन पाप लगना है देखी। फिल्म में तो की नहीं, कम से कम बगल में तो बैठ जाती। क्या है ब्लैक ब्लैक मर्ज हो रहा है रिबू साहब? आप इधर आ जाओ मेरा प्रा। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री को नेशनल अवार्ड मिले हैं, उनमें से रिबू सर और शरद भाई भी हैं जिन्होंने घर पे बैठ के अवार्ड देखे हैं। कहने का मतलब है कि जोक सपाट मेरी 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 फिल्म को मिला है अवार्ड नेशनल। अरे भाई मैंने इसलिए क्या बात है, एक्सक्यूज मी, मेरी फिल्म को भी मिला है साइना को। थैंक यू वेरी मच। मजाक अपनी जगह सर, एक एक बड़ी अच्छी बेहतरीन फिल्म जा रही है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिसमें श्री कपिल शर्मा जी ने काम किया है। श्री कपिल शर्मा, श्री तो कैसा लग रहा है आपको उनको साक्षात देखकर? देखो आपकी फिल्म की प्रमोशन तो हमारे शो में हो रही है। हाँ। तो मैं अपनी कहाँ करूँ, मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ उस हिसाब से। धन्यवाद आपकी बेस्ट विशेष के लिए। रजित सर को हम लोग ब्योमकेश बख्शी के टाइम से देख रहे हैं, इनको ना जासूसी का बड़ा शौक है, बड़ा मजा आता है इनको। राजी में भी अपनी बेटी को जासूसी के लिए भेजते हैं, इस फिल्म में भी ये जासूस बने हैं, परिणीति से जासूसी करा रहे हैं। सर आपकी कभी सोसाइटी वालों ने आके कहा है कि हमें सीसीटीवी पे भरोसा नहीं, दो घंटे आप बैठा करो? सीसीटीवी निकाल दी थी मेरे घर के बाद से। पर पता है मैं सच्ची मानने लग गया था कि ये केस सुलझाते हैं। एक बात मैंने रजित सर के बारे में और नोटिस किया है, इनके जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आप राजी, उरी, रॉकेट बॉयज, अटैक, रॉकेटरी और अब कोड नेम तिरंगा, ये सारी जो फिल्में हैं ना नेशनल इश्यूज के अराउंड है। सर आप नेशनल इश्यूज की वजह से करते हैं कि कोई फाइनेंशियल इशू भी है? वो भी है, वो भी है, पर जो भी आप करते हैं कमाल करते हैं सर। थैंक यू। और शरद भाई बहुत बढ़िया। शरद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आप ना अपने कोई स्पीकर लॉन्च करो। पता क्यों? क्यों? इनकी आवाज इतनी भारी है ना। हाँ। कि जब ये बोलते हैं ना। हाँ। जब इन्होंने बाहुबली में अपनी आवाज दी तो मैं तो पहचान गया था, मैं सालों से जानता हूँ, इनकी आवाज आती है तो सीट के नीचे कुछ होता है। है ना, गुर्र गुर्र होता है। आपको अगर मसाज लेनी हो ना, जिन गाड़ियों में कई बार गाड़ियों में मसाज होती है, आप शरद भाई के सामने बैठ जाओ, इनको बोलो कुछ भी बोलते रहो, गायक ऐसे बोल दो, ये बोलेंगे ना और आपकी कुर्सी में मसाज होने लगती है, पता है? इतनी भारी भरकम आवाज है। भाई कुछ खास किया आपने कि वैसे ही भारी हो गई? नहीं नहीं, परेशानी है कई बार तो ये। और जानबूझ के और कर रहे हैं अभी। शरद भाई आपने इनको बहुत जगह देखा, टीवी में बहुत काम किया है, टीवी में ना बड़े पारिवारिक रोल किए हैं इन्होंने। फिल्मों में आप देखो, रामलीला में इनकी रणवीर से लड़ाई हो रही है, हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार साहब से लड़ रहे हैं, भूमि में संजय दत्त साहब से लड़ रहे हैं, इस फिल्म में परिणीति से लड़ रहे हैं। सर फिल्मों में जब आप कोई रोल लेते हैं वो आसानी से मिल जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मारपीट करनी पड़ती है आपको? आपने सोच के रखा कि नहीं मैंने संस्कारी वाले रोल टीवी पे करने हैं और गुंडे मवाली वाले मैंने उसमें करने हैं, ऐसा आप कैटेगरी में? मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छा हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर का एक हर आदमी के अंदर राक्षस होता है वो कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है जी, तो मैं स्क्रीन पे निकालता हूं। घर में बड़ा सभ्य अच्छा इंसान हूं मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी में जा रहा हूं, रेडियो सुन रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में एक खूबसूरत गाना है ना। अच्छा हम बना के भी बोलते तो हमसे नहीं होता है, कसम से ऐसा लग रहा है गुलाम अली साहब खा लिए आपने, ऐसा बेस इतनी बेस है ना भाई। मैं मतलब विजुलाइज कर रहा हूँ इसको। I've got no idea what's with me and this song. जहाँ जाओ यही गाना बजता है। कपिल, hi, how are you? I'm good. Pari, look at you all grown up. How are you, darling? I'm good. I'm good. Oh my God, Pari, तुम सोफे पे क्यों बैठे हो? किसी फूल पे बैठो, कदी इस फूलते कदी उस फूलते। यार मेरा तितलियां वर्गा। ओ माय गॉड, यू आर बिल्ट लाइक अ भंवरा, नॉट लाइक अ तितली। यू शुड गो लाइक
Ribhu sir, I love your name. Oh, thank you. Hey, boo boo. Hey, boo 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 boo. Hey, boo boo. Vyomkesh Bakshi, that my childhood has gone on that show, really. And you. Ek bar bas kuch bhi keh do. Hi, children. My God, that voice. Just say something again. Hi, children, kaise? Ooh. That was goosebumpish. My God, kaatte hain uska gala. Wow, it was amazing. Kaatte hain uska gala. Now that I'm over here, I have to start my show. Jaisa ki aap jante hain, my show, where we've got sizzling conversations over a cup of coffee and a lot of gossip about the industry, inside the industry, outside the industry, everywhere. And now I'd like to introduce the man of many shades, literally with his clothes, and my 3 a.m. friend every day. Please welcome. Kya bolti public? Wow, yeah. Archie! Hi! You are looking younger by the day, darling. I love you, darling! Well done! Sharad! Bro, Kelkar! Tu sabko Kelkar, bro! Tu sabko Kelkar! Kapil, man! What's up, man? Harrdy! Madipa! I love you, man. Wow. Wow, man. What a voice. What an actor. Super talent. Parineeti. Ricky Valky lady. Wow. Hello, sir. Hello, superb. Hi, hi, sir. How are you? Hi, hi. Churan. Wow. What nice. Super. Sir, Chopra sir. Amazing. Chopra. Kisi ke kise has rahe to nahi gaye. Aapna time aayega. Iski energy ka remote mere paas hai. Regulator 5 pe tha. Isko 2 pe karta hu 1 second. Haan, energy down. Piche aa, piche aa, piche aa. Nice. Now that you're on the coffee couch. Let's begin our conversation. Yeah, man. Yeah. Here's my... Oh my God. Yaar, iski battery kam hogi. Isko charge kar doge, please? I would love to do that, man. Wow, thank you. 151% battery. Amazing. Let's begin the conversation. Yaar, coffee to piyo. Oh, yes. I love this coffee, man. Yes, I love this. Manveer, control. वो कॉफी गरम है. उसे पीने से पहले ऐसे करो. फू. PH triple O. फू. PH triple O. Nothing can be done about this energy. I love your show, man. I just love your show. You are super, man. Oh, Lord. Too good, yeah. Indeed, let's not go there with all these positions, okay? Now, let's begin the conversation. The first question. You have been a versatile actor. You've done the Khilji. You've been the gully of the boy. You've done so many things. Koi aisi film jo aap chahte hain ki aap kare? Churan, I always wanted to do a film, Jurassic Park, man. Jurassic, oh, a lovely movie. Yes, and I love that character. That, I know, Sam Neill. Sam no, Neill. No, no. The other Jeff Goldblum. No, the main lead, dinosaur. I always wanted to be a dinosaur, man. Did I hear dinosaur? He wants to play a dinosaur? Yes! Wow, that will be amazing. Dikhao na apna dinosaur. Karke yahan pe. Kya usne kya bola? Dikhao na apna dinosaur. All right. Karke. See, listen, I'll be the director. I say action and you start with the dinosaur, okay? Yeah. All right.
Action. अपने टाइम आएगा ब्रो। सुपर। तो टाइम आएगा। Sit, sit. Now that was a brilliant dinosaur. I think next franchise of Jurassic, you are doing the movie definitely as a T-Rex. Now, this brings us to the most exciting part of the show: the rapid fire. Rapid fire! Woo! Rapid fire! Yee! Rapid fire! Woo! Aaja, baithja, baithja. Come, come, sit. All right. Let's begin the rapid fire. The very first question. आपको परिणीति के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? चूरन, परिणीति के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसके जीजा निक जोनास मैन। निक जोनास। निक जोनास में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? निक जोनास के बारे में सबसे अच्छा लगता है उनकी साली परिणीति मैन। एक सेकंड, जब परिणीति कहना तो इतना घूम के क्यों आए? एनर्जी बहुत है, एक मिनट में अमेरिका घूम के आ गया ब्रो। All right, second question. Yeah. अगर आपको एक दिन के लिए Harrdy Sandhu बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं ये मौका गवाना चाहूंगा दोस्त, क्योंकि there is only one Harrdy Sandhu, my Madipa ब्रो। Madipa, he's just amazing man. भूल गया। मैं बोल देता हूँ। See, listen, साफ साफ बात है, he's a brilliant actor. चीते की चाल, बाज की नजर और Harrdy Sandhu के परफॉर्मेंस पर संदेह नहीं करते, मंडे भी नहीं करते, ट्यूजडे भी नहीं करते, फ्राइडे करते हैं ये अपनी फिल्म में रिलीज। एंड पनवीर इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट इन आवर कंट्री। जी मला माहित नाही, ते सांग, टेल मी व्हाट आई डोंट नो। क्या बोलती पब्लिक? तेरी जान पीछा। I love you, man. Superman. Fabulous. All right, let's not go there. Last question. ऐसा कौन सा character है जो आपको करके पछतावा हुआ? Fanveer Singh. क्यों क्यों क्यों? बहुत एनर्जी लगती है ब्रो, बहुत एनर्जी। जाते जाते आखिरी सवाल। रिसेंटली वी ऑल सॉ, द एंटायर नेशन सॉ द फोटो शूट्स दैट यू डिड। बिल्कुल रवे में लिपटा हुआ पापलेट लग रहे थे जो आप जमीन पे लेट के बिल्कुल। नाउ टेल मी, इस फोटो शूट के लिए आपकी क्या तैयारी थी? तैयारी तो नहीं थी ब्रो, मैं तैयार होने जा रहा था, उससे पहले फोटोग्राफर ने मेरी किचन की। एक बार वो फोटोग्राफर मेरे हाथ लग जाए उसके मैं ततर ततर बजा दूंगा। यू सीरियसली यू वांट टू मीट दैट फोटोग्राफर? आई वुड लव टू मीट हिम। सी लिसन, दिस काउच ओवर हियर इज अ काउच ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहाँ जो बोला जाता है वो सच हो जाता है। एंड ये सच हो चुका है, द फोटोग्राफर इज हियर। लेट्स इनवाइट दैट फोटोग्राफर। सर 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 सर, मैडम मैडम, थोड़ा राइट 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 सर, एक एक एक, वेरी गुड सर। बाबा बाबा, कैसे हो बाबा? बहुत अच्छा, तूने मेरी फोटो खींची। हाँ बाबा, मुझसे बिना पूछे खींची। जी बाबा, तेरी तो। I love you bro, my god, I love you बाबा, बाबा बाबा बाबा। ओह, थैंक यू। That was the end of my show. Thank you, guys. Superb. Toodles. Superb, Ketan. Hi. हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। आज बड़ा सजधज के आई है। थैंक यू। सुंदर फिर भी नहीं लग रही। वैसे भी हम आपके लिए सजधज के नहीं आए हैं। हाँ, किसके लिए? आज क्या है कि आज हमारे जो पिया है ना, वो हमें लेने आए हैं, इसलिए
तेरे को कोई पिया हुआ ना लेके जाए। तेरा पिया कहाँ से आ गया? ऐसी बात नहीं है परी जी, जैसे आप लोग परी परी कहते हैं ना जी, हमें भी लोग हमें पापा की परी कहते हैं। हमें पापा की परी नहीं, तू पापा का प्रमोद है तू। पापा की परी ऐसी औरतें होती हैं जूस पीने के बाद ग्लास खा जाती हैं। पापा की परी कहाँ से? पापा का प्रमोद। Oh my God। यहाँ कौन दूल्हा तेरा? हमारे यहाँ ऐसा नाम लेना अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे भी हमको शर्म भी बहुत आ रहा है। हम एक शेर अर्ज कर दें। हाँ इशा। उधर होके करो, पहले भी इधर कर गई थी तुम। इशा इशा। अर्ज किया है। ओके। इशा। जिनके लिए हम दुनिया के ताने सहते हैं, जिनके पास घर तो बहुत है लेकिन वो हमारे दिल में रहते हैं। ओके। दिल के हैं वो बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी, लेकिन दुनिया वाले उन्हें हार्डी हार्डी कहते हैं। ओए वाटर कूलर, हार्डी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, झूठ बोल रही है तू। हाँ तो हमने भी इन्हें शादी से पहले ऐसी हरकत करने से मना किया है। शादी नहीं, अलाउड भी नहीं है। लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, हार्डी जी इनको बताइए ना, इनका गाना परिणीति जी सर, इनका एक गाना आया था सिंड्रेला सिंड्रेला। किससे कह रहे थे? हमें से कह रहे थे सिंड्रेला। सिंड्रेला नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे सिलेंडर ला सिलेंडर ला। तू सिंड्रेला सुन के आगे झूठ बोलती है। सिलेंडर हमें काहे लाने के लिए कहेंगे, बेकार का बात कर रहे हैं। सच बता रहे हैं, 5 साल पहले हमारा शादी हो चुका है। Really? हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, देखिए शादी के टाइम का रसगुल्ला भी हम लाए हैं। 5 साल पहले का रसगुल्ला, इसको तो फंगस लग गई होगी। नहीं फंगस लगी है तभी तो रसगुल्ला है, शादी का टाइम तो ये लड्डू था। देखिये हार्डी जी आज हमको लेने आए हैं, बहुत बात क्लियर है, तभी तो इतने सारे बाराती साथ में लाए हैं। वो अपनी फिल्म के लिए आए, कोर तिरंगा के लिए आए वो। लेकिन वो देखा हम, ये रिबू दास जी तो नहीं थे ट्रेलर में। हाँ नहीं थे। हाँ। तो इन्होंने डायरेक्ट किया ना सर? ये गलत है। गलत है सर। ओ, कभी क्यों? भी डायरेक्ट मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। थैंक यू। क्या होता है, पहला प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर हनीमून होता है। डायरेक्ट हनीमून हो गया, फिर कोई शादी भी ना करे, कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे देखिए आप इतना मेहमान आए, आप कुछ पूछे कि नहीं पूछे? आप बताइए, क्या चाय बिस्कुट लेंगे? चाय बिस्कुट लेंगे आप? चाय बिस्कुट? हार्डी जी चाय लेंगे? उनको बिस्कुट क्यों नहीं पूछ रही? उनका है, हम इंस्टाग्राम पे देखे पहले से बहुत सारा बिस्कुट है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, शादी के बाद भी आपके बिस्कुट को चाय में डुबो के नहीं खाएंगे हम। हम एकदम ख्याल रखेंगे आपके बिस्कुटों, ख्याल रखेंगे उनके। अब खुद का जो आटा गूंदा इसका तो ख्याल रखती नहीं तू। फालतू में डिस्टर्ब कर रही है, किसी ने देखा है तुझे इनके साथ शादी करते हुए? झूठ बोल रही है। पता था समाज ऐसा ही सवाल करेगा। समाज के लिए जवाब हम लेकर आए, हमारे पास प्रूफ है। याद है हार्डी जी, जिस पेड़ के नीचे हमारा शादी हो रहा था उसके ऊपर एक प्यासा कौआ बैठा था। शादी जैसा ही खत्म हुआ, प्यासा कौआ ऐसा उड़ के गया, उसको प्यास लग रहा था, उसने एक मटका देखा, मटके में पानी एकदम नीचे नीचे था। उसने कंकड़ लिया, पानी में डाला, एक और कंकड़ लिया। ये प्यासे कौवे का पता है ना आपको? हाँ देखो पता है, शादी हुआ है तभी तो पता है। कोई शादी नहीं हुई तेरी इनसे, झूठ बोल रही तू। नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। ठीक है फिर हम आपको जूलियस कराएंगे। क्या कराएंगे? जूलियस। जेलस। 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 हम कराएंगे आपको जेलस। शरद जी हमारे साथ फ्लर्ट कीजिए। हाय हाय शरद। हम सामने से कह रहे हैं फ्लर्ट, ये तो सीरियस होगा। ओह माय गॉड। आप काफी स्वीट थे फिल्म के दौरान मुझे मारते हुए। मैं जानती थी एक्शन करते हुए इतनी चोट नहीं आई जितना रोमांस करते हुए आ गई तेरे। बुरा लगा? बुरा लगेगा ही, जिस गाने पे नोरा ने डांस किया हो उस पे बोरा नाच रहा है। तो बुरा नहीं लगेगा किसी को? ठीक है आपको नहीं करना है, आपका लॉस है शरद जी। आपको तो मजा आया ना डांस करके, आप शादी कर लीजिए हमसे। वो मैरिड हो चुकी है। नहीं ऐसा बात नहीं,
आधा लोग मैरिड है, जो मैरिड नहीं है वो घास नहीं डालता, हम क्या करें? तो जो घास डालते हैं तुम खा जाती, फिर क्या रहे क्या कोई? हम ना जा रहे हैं, लेकिन क्या हमको रणबीर कपूर है ना, उनका भी कपड़ा धोना है क्या? ब्रह्मास्त्र में धूल मिट्टी में इतना लड़ाई वड़ाई करके बहुत गंदा कर लिया है, अभी हम साबुन अस्त्र लेंगे, डिटर्जेंट अस्त्र लेंगे और उनके वस्त्र को साफ करेंगे। चलते हैं। ओके बाय 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 आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए कुछ पिक्चर्स वीडियोस डालते हैं। हाँ। और जो फैंस हैं वो बड़े क्रिएटिव है हमारे हिंदुस्तान के, हम लोग सिर्फ फनी वाले चुनते हैं। शरद भाई आपको अगर इधर आके देखना तो आप आ सकते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ कमेंट्स, प्लीज हैव अ लुक। परी ने ये फोटो डाला है, लूज योर हील्स हग कडल लाफ एंड स्टफ योर फेस विद पिज्जा आफ्टर द रेड कार्पेट द ओनली वे आई नो। ओके, हैशटैग रेड कार्पेट लिखा, नीचे जमीन पे दरी भी नहीं बिछी हुई है, दरी महंगी दरी थी नीचे। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स नीचे। ये बंदा काफी स्मार्ट है, एक पिज्जा में दो डेट निपटा रहा है। पहली स्लाइस सब हंस हंस के खाते हैं, लड़ाई तो लास्ट पीस में होगी, कौन उठाएगा? और दिखाइए। हार्डी संधु ऑस्ट्रेलिया, आइए पढ़ते हैं कमेंट्स। सर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे या कंगारू पंजाब आए थे? केपेबल है, तो मंगा सकता है वहां से। ये अच्छा है। गुड वन, गुड वन। फन फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के साथ फोटो ना हो तो लोग उसे भाईकुला का चिड़ियाघर समझते हैं। That's true. कंगारू को तो सब खिलाते हैं, दम है तो मुझे एक महीना रोटी खिला के दिखाओ। ये कोई बेला होगा। और दिखाइए शरद भाई, बार बार देखो। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स। ये सोच रहे हैं यहाँ चखने में सिंह दाना क्यों नहीं देते। ये आए थे पोल डांस देखने, रिश्तेदार को देख के मुंह इधर कर लिया। शरद भी लाइक, मैं दो बार बाहुबली की आवाज निकाल चुका हूँ, ये पहचान नहीं रहे, लगता है आज पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जी आइए और पढ़ते हैं कमेंट्स। ऐसा वैसा प्यार, कमिंग सून। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब आपको ना ही स्वेटर आ रहा हो और ना ही वायलिन बजाना। इसको फैशन मत समझना, इन्होंने स्वेटर सूखने के लिए डाला हुआ है। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे टू द वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। शाहरुख भाई का बर्थडे दिखाइए जरा कमेंट्स। डायरेक्टर एक्टर की ऐसी फोटो तभी डालता है जब उसे एक्टर को याद दिलाना हो आपने फिल्म प्रॉमिस करी थी। इन दोनों ने मिलके पोएम याद की थी तो एक एक लाइन सुना के परफॉर्म कर रहे हैं। और दिखाइए। लगता है इन्होंने भीड़ में वो आदमी देख लिया जिसे ये बोल के आए थे जब शाहरुख मेरे पास आए तो दो चार फोटो खींच लेना। और दिखाइए। ओहो बर्थडे फोटो डम नंबर वन, इट वाज क्या वर्ड है, वर्ल्डविंड। 48 आवर्स प्योर सेलिब्रेशन, जेट लैग, टैकोस, हग्स, लाफ। देखा लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों के। हैप्पी बर्थडे टू द वर्ल्ड देसी गर्ल, बट माय मिमी दीदी, यू कॉल मिमी, मिमी दीदी, व्हाट डू यू कॉल हर? प्रियंका। ओह माय गॉडनेस। कैसे कैसे? प्रियंका। प्रियंका। या दिखाइए नीचे कमेंट्स। निक जी की शक्ल देख के लग रहा है बर्थडे पे खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रियंका जी आप निक को छोड़ सकती हैं, प्लेन की खिड़कियां बंद है, ये नहीं उड़ेंगे। देखो आप लोग डिटेल में जाते हैं। और दिखाइए। लड़की चाहे मिस वर्ल्ड क्यों ना हो, बहन मिलने आती है तो पति को पकड़ के रखती है। दोस्तों का नोट है, जीजा हमारा हॉट है। दिखाइए और कमेंट्स। This is madness. हार्डी ने फोटो डाला, माई न्यू रूटीन, जर्नी, एक्सप्लोर, डिस्कवर, रिपीट। दिखाइए कमेंट्स। गाड़ी देख के समझ में आया आप सिंगल क्यों हो।
किसी ने कहा अरे वाह जादू बड़ा हो गया भाई इसका हॉर्न बजता है या मुंह से हट हट करना पड़ता है क्या और दिखाइए Oh my God. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा वाह वेरी नाइस पिक्चर सर सही कह रहे हैं सर आप पानी किसमें मिला के पीते हो कुर्ते पे इतने सारे पंजों के निशान देख के लग रहा है इनकी उधारी ज्यादा है ये सोच रहे हैं कि भीग तो गया अब किसी हीरोइन को इमेजिन कर लेता हूँ यार बंदा फोटो भी नहीं खिंचा सकता ऐसे यार शरीफ आदमी के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स कर और दिखाइए When the director has to crack jokes on himself to make the girl परी हैप्पी दिखाइए जरा कमेंट्स परिणीति आई कैन अंडरस्टैंड मेरा बॉस भी जब कोई जोक मारता है तो मुझे भी हंसना पड़ता है परिणीति मुंह ढक रही है या तो उन्होंने प्याज खाई है या रिबू अरे यार और दिखाइए बी रेडी इन 5 आई प्रॉमिस दिखाइए नीचे कमेंट्स लड़कियों का 1 मिनट में 10 मिनट होते हैं इस हिसाब से ये 50 मिनट लगाएंगी किसी ने रिप्लाई किया है तू इतना हिसाब लगा रहा है जाके पान लगा वाह आपके तो जूतों का अलग से कमरा है हमने तो कमरे के बीच पर्दा लगा के 2 बेडरूम बनाए हुए हैं एक में मेरी फैमिली सोती है एक में भाई की किसी ने रिप्लाई किया फैमिली बनाने की इतनी क्या जल्दी थी पहले कमरा बना लेते दिखाइए और कलाकार कला खत्म अपना कैप्शन आइए पढ़ते हैं कमेंट्स ये सोच रहे हैं खुद साफ करूं या बारिश आने का इंतजार करूं अभी देखना ये शीशे पर शरद केरकर लिख के भाग जाएंगे और दिखाइए ओह रजित सर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्षितिज ये नहीं 1993 वाओ क्या बात सर बड़ी फुल स्लीव मुझे रखी हुई है आपने फुल स्लीव He's too good, यार. कमेंट्स पढ़ते आइए गाल पे हाथ देख के लग रहा है या तो ये प्रपोज कर चुके हैं या इन्होंने रिजल्ट इमेजिन कर लिया है ये है मड आइलैंड के बोराट मड आइलैंड के बोराट गुड वन और दिखाइए खत्म शरद भाई ऐसे स्क्रीन पे हम आपको जब देखते हैं बोलते हो तो बड़ा मजा आता है सुन के लेकिन जब भाभी के सामने आप जाते हो तो बेस इतना ही रहता है या कम हो जाता है या फिर बीबी को बेस पसंद है तुम्हारी भी है यार तुम्हारी शादी को भी हो गए अभी 4-5 साल तुम्हें तो आईडिया होगा घर में आवाज कैसी होती है मैं इसीलिए तो टीवी पे काम करता हूं एम आई राइट परी पूछो पापा से कैसी आवाज होती है बाहर की आवाज कुछ और है घर में हमारे जो एक्सपीरियंस्ड चोपड़ा साहब हैं चोपड़ा साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर ये चोपड़ा फैमिली में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं प्रियंका चोपड़ा परिणीति चोपड़ा चोपड़ा लोग कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं इतना टैलेंट एक ही परिवार में कैसे है चोपड़ा साहब मैं क्या बताऊँ कि ये सब उस खुदा का शुक्र है अदरवाइज हम पूरी परिवार जो है फौजी फैमिली है अच्छा जी मेरे डैडी भी मेरे ब्रदर भी मैं भी बिजनेस भी आर्मी के साथ सब कुछ डिसिप्लिन सा माहौल है तो जब मैं कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा कलाकारी दिखाता था अपने डैड को तो वो हैरान होते थे कि फौजियों घर में ये क्या चीज़ आई है कहाँ से आई है ये चीज़ अच्छा मतलब इतना टैलेंट इसके पास क्यों है पर मैंने देखा सर आर्मी वालों के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं क्योंकि बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं ना घूमते फिरते रहते हैं मैंने आपके बारे में भी सुना सर आप बड़ा अच्छा गाते हैं सर वो तो मैं वैसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुनाता हूँ अदरवाइज कुछ नहीं थोड़ा बहुत ही गुनगुनाना इधर भी बस थैंक यू थैंक यू आई एम ग्रेटफुल सर आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज बैठी बैठी बातें करते हैं इनकी फिल्म तो आ ही रही है अच्छी बन गई और सुनाओ सर बड़ा मजा आया आपको पता होगा मेरी वाइफ थोड़ी कीनिया से है अच्छा है तो पंजाबी लेकिन कीनिया में सेटल थे मेरे फादर लॉ
तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर प्रियंका के डैड वी यूज्ड टू सिंग टुगेदर. ओके. हमें कुछ ऐसे मौके मिले जैसे आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन नोबल कॉज के लिए सिंगिंग की. तो एक बार हम दिल्ली में सिंगिंग कर रहे थे तो इनका पूरा परिवार जो है ब्रदर को जानते थे तो वो सब आए हुए थे. ये अच्छा. भी आई हुई थी अपने कॉलेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया. अच्छा जी. ऐसे ही मंच पे बैठी थी तो हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे. आई यूज्ड टू सिंग मुकेश. मुकेश मेरे मोस्ट फेवरेट. अच्छा जी. तो ये मुकेश की फैन. अच्छा जी. ये आपको पता था आपकी स्ट्रेटजी. मुझे नहीं मालूम था. मुझे नहीं मालूम था. तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा हूँ तो ये सीढ़ियों के सामने लेटी हुई है. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके पापा. मैंने कहा ये लड़की कौन लेटी हुई है. कहती मैंने अगर शादी करनी है तो इसी बंदे से करनी है. वाह सर क्या बात है. दो गाने गा के लड़की ले गए आप हैं. मैं सारी उम्र किशोर कुमार के गाने गाता रहा फिर अपने गांव से ही लेके आया मैं बीबी. तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके. लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कपिल जी के पंजाबी हो तुसी जी जेड़ा पंजाब दा और पंजाबियों दा नाम तुसी पूरे वर्ल्ड च कीता है. शुक्रिया शुक्रिया. तौबा तौबा तौबा. मतलब मैं एड्डा वड्डा फैन हां तुहाडा. शुक्रिया सर. लव यू. के ए हो नहीं सकदा. मैनूं अज तक याद है कि कपिल शो चल रहा था तो परिणीति जब आती है तो वो कभी साल में 6 महीने में एक बार घर आती है. ये घर में एंटर की है और कपिल का शो चल रहा है. मैंने कहा उसको मैं बाद में हेलो करता हूँ पहले मैं जरा कंप्लीट करने दो मुझे. carry on giving this laughter to people. Thank you, sir. And God bless you. God bless you. All of you. God bless you. Love you, sir. Shukriya. Sharad bhai, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी. आप पहले स्पा में भी काम करते रहे एक्टिंग में आने से पहले. अफवाह. अफवाह. नहीं नहीं ऐसा एक आर्ट दिया है भगवान ने. मेरे हाथों में कुछ शिफा है कहते हैं जैसे. हैं? हाँ. तो मैं बहुत मिसयूज करते हैं लोग मुझे इस मामले में. मैं जिम इंस्ट्रक्टर था पहले. अच्छा. तो मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर था तो कभी किसी को चोट लग गई कुछ अगर क्रैम्प या स्पाज़म आ गया तो मैं ठीक कर देता था. अच्छा. ऐसा कोई धंधा नहीं है मेरा स्पाज़म. मेरे को अर्चना नहीं बोल रही थी. बोलती हमने सुना है कि ऐसा ऐसा. Nonsense, don't believe it. बोलती शरद आएगा तो पूछना कि इतना अच्छा उनको अगर एक्सपीरियंस है मसाज का तो प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिए कि उनको मसाज दी इन्होंने. तो मैं इसलिए पूछ रहा था. प्रोड्यूसर यही बैठे उनसे पूछ लो. रिभु सर ने एक्शन फिल्म प्लान करी. दोनों बार परिणीति को साइन किया इन्होंने. ए गर्ल ऑन द ट्रेन में भी इसमें भी. परी इनकी फेवरेट है. इन्होंने तो इमरान हाशमी साहब को भी लिया ना अपनी सीरीज में. उनसे भी एक्शन करवाया. जब आप इमरान हाशमी को नरेशन दे रहे थे पूरी नरेशन सुनने के बाद उन्होंने कहा ना कि बस यही मारधाड़ देखो किसी फोल्डर में किस विस पड़ी हो ऐसा. मतलब उन्होंने पूछा नहीं कि आपको मेरी हिस्ट्री नहीं पता है. गॉड. नहीं नहीं उन्होंने पूछा नहीं ऐसा. अच्छा बात खत्म है. अगला सवाल पूछूं. दर्शकों आप सब जानते हैं कोड नेम तिरंगा जो है ये एक स्पाई थ्रिलर है और जो जासूसी करने जाती हैं परिणीति जो है. आप लोगों को क्या लगता है कि जासूसी करने में कौन ज्यादा अच्छा होता है आदमी लोग या औरतें लड़के या लड़कियां. आपका क्या विचार है. आप हमारे सामने अपने विचार रख सकते हैं. जी कैच ड्रिंक. जी हाय हाय कपिल सर. सर नाविद मेरा नाम है. जयपुर से हूं मैं. अच्छा जी. जो आपके साथ बैठी हैं शी इज फ्रॉम इंग्लैंड सर. ओके हेलो वेलकम. तो आप उनके बारे में क्यों बता रहे हैं. मेरी वाइफ है सर. अच्छा आप अपनी वाइफ के साथ बैठे. दास दादा ये जो आपके इस तरफ बैठी है कौन है. वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं. आप किसी की वाइफ के साथ क्यों बैठे हो. दास दादा ये करने आते आप शो पे. अगर दास दादी ने देख लिया आपकी बीवी ने देख लिया तो क्या बोलेंगी वो कि दास दादा को बिगाड़ रहे हो आप. जी सर सॉरी. वी रिसेंटली गॉट मैरिड लाइक 3 months ago. ओह वाओ कांग्रेचुलेशन. तो सर अभी 3 महीने से कंटिन्यूअसली हम हनीमून पर हैं. वी आर येट टू गो टू इंग्लैंड. कंटिन्यूअसली. मुबारक हो सर नई शादी की. बहुत बहुत मुबारक. जी सर. तो सर मेरा मानना है कि लड़कियां ज्यादा जादूस होती हैं लड़कों से क्योंकि रात को क्या होता है जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ चुपचाप आती हैं और मेरे फोन को कैसे ना कैसे करके अनलॉक कर लेती हैं. क्यों करती है. नहीं नहीं शादी के बाद भी सर फ्रॉम द डे वन 2 महीने से यही बीत रही है सर मेरे ऊपर. मुझे नहीं पता क्यों. आई जस्ट वांट टू नो. हाय कपिल. हेलो. हाय परिणीति. हाय एवरीवन. ओके सो इसलिए करना पड़ता है कि हमारी शादी हुई. ओके मेरी लेट शादी हुई. ओके सो मुझे
ये मिले. ओके. तो उनके पेरेंट्स ने सबने बोला कि बहुत परफेक्ट है, शरीफ है. और मैं हैरान हो गया कि इस जमाने में इतना खूबसूरत नौजवान, शरीफ, ईमानदार इंसान इस जमाने में नहीं मिलता. ईमानदार कैसे? आपका पर्स गिर गया था, वापस कर दिया था आपको. तो फिर मैंने सोचा कि चलो जासूसी तो करनी ही है. सो आई गॉट हिज फोन. रात को उन्होंने सही तरह के नहीं बताया, उनके मुक्के मारे आग के खोले फेस अनलॉक करने के लिए फोन. अच्छा. मैंने शक क्यों किया, हर 10-10 मिनट हर एक घंटे के लिए गायब फोन पे. तो मैं क्या करूं? तो फिर क्या बरामद हुआ फोन में से? पापा के मैसेजेस, बैंक के मैसेजेस, बिजनेस मैसेजेस. लेकिन हर सुबह मैं ब्रेकफास्ट में उनको सॉरी बोलती कि सॉरी. वो बोलते क्यों, किस लिए सॉरी बोल रहे? मैं कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था. तो ब्रेकफास्ट में सॉरी बोलते, शाम को सॉरी बोलते करो, रात तो ठीक निकले. पर आप बड़े प्यारे हो दोनों. थैंक यू, थैंक यू. और ये जो आपके साथ बैठी, आपके साथ आई हैं? नहीं नहीं, मुझे वैसे खूबसूरत लगी, मैंने पूछ लेते हैं. वैसे तो मैं, शुक्रिया. कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से हूँ. अच्छा. बट मैं मुंबई में ही रहती हूँ. अच्छा, कहाँ मुंबई में? कहाँ? क्या नाम है आपका? दिशा. किस दिशा में? आई मीन दिशा, आपका कुछ कहना है इस बारे में? जासूसी लड़के बेटर करते. लड़के? मैं बताती हूँ क्यों. मतलब लड़कों को जरूरत पड़ती है करने की, क्योंकि लड़कियों का तो खौफ ही काफी होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है. बात तो ठीक बोली इन्होंने. घर जाए ना आदमी तो वैसे भी पूछ ले कहाँ से आए हो, तो आदमी एक सेकंड के लिए तो घबरा जाता है. कहाँ से क्या मतलब, ऑफिस से और कहाँ से, है ना, बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते. तो फिर बस वही कि पहले क्या होता है ना कि लड़कों को मतलब पहले ये यकीन नहीं होता कि अच्छा मेरे से, आई मीन इतनी सुंदर लड़की इम्प्रेस हो कैसे गए. अब हो गए तो फिर उनको ये होता है कि मतलब जाएगी नहीं किसी और के पास या ऐसी कुछ, इसलिए फिर उन्हें जासूसी करनी पड़ती है. मैं मना नहीं करूंगी कि गर्ल्स जासूसी नहीं करती, करती है. बट हम ऑनलाइन तक सीमित रहते हैं. बट ये लड़के हर नुक्कड़ कोने में पड़े रहते थे, देखते थे कौन से गली से गुजर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है. चीप बॉयज. यस, वेरी नॉटी एंड चीप. तो आपका ये मानना है कि लड़के ज्यादा जासूसी करते हैं? हाँ. तो एंड रिजल्ट फिर ब्लॉक करना पड़ता है. पीछे पापा जी बैठे हुए हैं. पापा जी सत श्री अकाल. पापा जी, तजर्बा जो होता है ना उसके आगे सारी चीजें फेल है. आप क्या कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, वेलकम. सबसे पहले मैं बता दूं, मैं देहरादून से आया हूं. अरे, सेम शहर से? आज ये देहरादून से? हेलो, शी इज आल्सो फ्रॉम देहरादून. सर, मुझे क्यों लग रहा है आप आर्मी में रहे हैं? आई वाज इन आर्मी. अरे, वेलकम सर. क्या बात है. आई स्पेंट अबाउट 30 इयर्स. वाओ. रिटायर्ड इन 98. ओके. 24 साल हुए रिटायर हुए. वाह जी वाह. देयर वाज सम मेडिकल प्रॉब्लम विद माय टंग. Okay. That's why I can't speak properly. Oh. But you know, my experience is, I never had any experience. Oh. बड़ी अच्छी बात है. आदमी और बोल भी क्या सकता है. धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए. आइए सर. सिद्धार्थ. सुपर. बहुत बढ़िया. थैंक यू. परी, हार्डी, रजित सर, रिभु सर, शरद भाई, इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ. दिल नहीं चाहता था कि ये एपिसोड खत्म हो, पर समय की भी अपनी एक डिमांड है. लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि पाजी ट्रेलर में जो गाना आपने गाया हार्डी पाजी, दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार जरा लाइव. मजा आ जाए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.